आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रही है, जहां पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और 3 महीने के अरसे के बाद भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात में कोई नरमी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर लद्दाख के अंदर भारत और चीन की अफवाज आपस में लड़ पड़ी है, झड़प हुई है, जहां पर पेंगोंग सो टीएस लेक के ऊपर भारत और चीन की अफवाज एक बार फिर आपस में लड़ी हैं, झड़प की इतलात मौसूल हुई है और कई फौजियों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। जराए के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कई फौजी इस झड़प में जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर लद्दाख के अंदर, मशरकी लद्दाख का हिस्सा जहां पर पेंगोंग टीएसओ लेक के ऊपर पिछले 3 माह से जो फौजी तातुल बरकरार था, जहां पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 और 15 पर दोनों अफवाज ने फौजी इंखला की बात की थी, तो दूसरी तरफ फिंगर 5 और फिंगर 4 के ऊपर इसी फौजी इंखला को बरकरार रखने के लिए, इसको बनाने यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए। दिल्ली और बीजिंग के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई, बावजूद इसके इस तातुल को, इस कशीदगी को कम नहीं किया जा सका है। हालात 3 महीने गुजरने के बाद भी 15 और 16 जून की दरमियानी शब को भारतीय फौज के 20 जवान जिनकी शहादत हुई थी, चीनी अफवाज के साथ झड़प हुई थी गलवान वादी में, उसके बाद से कशीदगी देखी गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आज 3 माह गुजरने के बाद भी सूरत हाल जू की तू है और एक बार फिर बड़ी खबर लद्दाख के अंदर पेंगोंग सो झील पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है और फौज ने जो बयान जारी किया है उस तहरीरी बयान के मुताबिक कि चीन की फौज की तरफ से एग्रेशन दिखाया गया, चीनी फौज की जो जारहियत है वो जारी है और भारतीय हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस पर उन्हें रोका गया और इसकी झड़प हुई जिसमें कई फौजियों के जख्मी होने की इत्तला इस वक्त मौसूल हो रही है। जराए के हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब इस वक्त दिफाई तज्जिया निगार हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी, अभी सूरत हाल जो बनी है आपका उस पर कॉमेंट, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, बातचीत भी की गई, तमाम तरह के कदम उठाए गए इस कशीदगी को कम करने के लिए, तनाव कम हो, सारी चीजें ठीक रहे, बावजूद इसके एक बार फिर झड़प हुई है। देखिए, दोनों फौजों के बीच और दोनों देशों के बीच तय हुआ था कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जी, किसी भी हालात में स्टेटस को बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन जो चीन ने किया है वो स्टेटस को बदलने की कोशिश की है। इसमें कोई झड़प नहीं हुई है, दोनों सेनाओं के बीच में कोई झड़प नहीं हुई है, लेकिन चीन ने पेंगोंगसो लेक के सदर्न बैंक जो कि उसका अपना इलाका है, वहां पर इन्फेंट्री और मैकनाइज फोर्सेस की तादाद बढ़ाई 29-30 रात को जी। और क्योंकि हमारी सर्वेलेंस और हमारी एयरफोर्स की जो सर्वेलेंस थी वो काफी तेज थी और उन्होंने इस मूवमेंट को पिकअप कर लिया और भारतीय सेना ने इस मूवमेंट को प्रिएम्प्ट करके अपने ट्रुप्स भी उस इलाके में डिप्लॉय कर लिए। ये हुआ है 29-30 की रात को जी। पर ये होना भी जो है वो गलत है, क्योंकि चीन की कोई तरफ से कोशिश जो थी वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश थी और झड़प कोई नहीं हुई है, ना ही कोई कैजुअल्टीज हुई है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो CDS जनरल रावत की तरफ से बयान पिछले दिनों आया था उनके मुताबिक ये लड़ाई और भी लंबी जा सकती है, वो बात तो एक साफ हो गई कि फिलहाल ये तनाव कम नहीं हो सकता जो चीन की तरफ से हरकत की गई है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कितना इस वक्त इस इलाके के अंदर जहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, भारतीय फौज फिजाइया एयरफोर्स की बात करें, तमाम अफवाज कितनी तैयार हैं या किस तरीके से इस वक्त तैयारी होनी चाहिए थी, क्या वो ग्राउंड जीरो पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं इस तरह के हालात से निपटने के लिए? देखिए, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सेना के रिस्पॉन्स से साफ जाहिर है कि भारतीय सेना न सिर्फ तैयार है बल्कि अलर्ट है। भारतीय सेना ने चीनी मूवमेंट को प्रियम्प्ट किया, ये इसका सबूत है कि भारतीय सेना न सिर्फ तैयार है बल्कि अलर्ट है। देखिए, ये अभी हमें ये देखना है कि चीन ने ये किया क्यों है। मेरी नजर में इसके 2 कारण हो सकते हैं जी। एक कारण तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान ही है। जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कहते हैं कि भारत के पास मिलिट्री ऑप्शंस भी अभी है और भारत अगर टॉक्स फेल हो जाए तो उसको लागू कर सकता है, तो शायद डर से ये वल्नरेबल जो उसका गैप था उस वल्नरेबल इलाके को कवर करने के लिए शायद ये चीन ने हरकत की हो, ये कारण हो सकता है। बातचीत होती रही है, हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी बातचीत हुई और उसके बाद वर्किंग कमेटी के इजलास भी होते रहे, वर्किंग ग्रुप्स के जो मीटिंग्स थी वो भी हुई, उसके साथ साथ जो फौजी सतह की बातचीत है वो भी चल रही है, तमाम तरह की बातचीत होने के बावजूद भी ये कदम चीन का, तो CDS की जो बात थी कि फौज का एक ऑप्शन हो सकता है, क्या उसका इस्तेमाल इन परिस्थितियों में हो सकता है आपकी नजर में बतौर तज्जिया निगार? मैं वही कह रहा हूं कि ये
जो है ये उसका रिस्पांस हो सकता है जी, उसका रिस्पांस एक ऑफेंसिव भी हो सकता है, डिफेंसिव हो सकता है। ऑफेंसिव इस नजर से हो सकता है तो प्रोवोक कर रहे हैं भारत को और टेस्ट करना चाहते हैं। देखिए चीन की जो नीति रहा हमेशा यही रही है कि वो हर चीज धीरे धीरे करता है, दुश्मन को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और कोशिश यही रहती है कि दुश्मन पहली गलती करे। हो सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान के बाद चीन भारतीय सेना को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है एक बार फिर गलवान के पास। लेकिन जो जो अनिल जी प्रधानमंत्री से लेकर फौजी कमांडर्स तक ये कहना कि जो विस्तारवादी की नीति है उससे चीन पीछे नहीं हटा, वो कई पड़ोसियों के साथ इसी चक्कर में हालात खराब कर चुका है, रिश्तों को खराब कर चुका है। दूसरी तरफ इन सब के बावजूद भी ये पूरा नक्शा हमारे सामने है, ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग इस वक्त भी चल रही है, इन सब का कोई फायदा कोई मजबूत नतीजा नजर आ रहा है? देखिए जो ब्रिगेड कमांडर स्तर की चल रही है वो उस लोकल टेंशन को दूर करने की है। बातचीत से ही पता लगेगा कि चीन ने ऐसा क्यों किया है। चीन अपना मौखिक साफ करेगा कि मुझे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी और भारत कहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखो बातचीत तो जरूरी है, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आई बॉल टू आई बॉल बैठी हुई है तो बातचीत एक तरीका है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोक सकता है और वो बहुत जरूरी भी है। और यहाँ तक बातचीत की बात है, बातचीत चलती रहेगी। चीन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, भारत भी ये जानता है और भारत ने माना भी है कि ये बहुत पंचीदा सवाल है, इसमें वक्त लग सकता है, धीरे धीरे काम होगा जी। तो देखिए ये और खासकर ये जो छोटी मोटी हरकतें होती रहेंगी क्योंकि जैसा मैंने कहा जब ट्रुप्स आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट पे होते हैं तो इस प्रकार की मिसकैलकुलेशंस या कोई ना कोई गलत कार्रवाई हो जाती है किसी ना किसी रॉन्ग इनपुट के कारण भी। तो ये सारी चीजें बातचीत के जरिए सुलझाई जा सकती हैं, मामले को बढ़ने नहीं देना चाहिए, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। अभी तक एस्केलेशन नहीं हुई, इसको आप एस्केलेशन नहीं मान सकते हैं, इसको प्रोवोकेशन कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल गौर साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अनिल जी आपसे भी जानना चाहेंगे, गुप्ता साहब ये कह रहे थे कि इस तरह की टेंशन या इस तरह की एक्टिविटीज जो पीएलए की तरफ से हो रही हैं वो शायद ही कम हो, ये छुटपुट हरकतें होती रहेंगी, बावजूद इसके मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। तो क्या आपकी नजर में बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इन हालात को, इन इलाकों को जहां पर ये सब हो रहा है आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आपकी स्टडी क्या कहती है कि इस चीज को कम किया जा सकता है और जो बातचीत चल रही है क्या वो किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ भारत और चीन की अफवाज को लेकर जा रही है? समझनी होगी कि चाइना जो है वो बातचीत और बातचीत करके सिर्फ टाइम गेन कर रहा है और उस टाइम गेन करने से वो अपने जो वहां पे री इन्फोर्समेंट्स है, अपना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, अपना जो जवानों के लिए रहने का बंदोबस्त वगैरह है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। वो ये नहीं है कि वो उसको बंद किया हुआ उसने, तो वो ऐसे इलाकों में बढ़ा रहा है जो तो बिल्कुल अटाई चीन के इलाके में है जहाँ पे उस पहले कोई ऐसी चीज नहीं रही थी जी। अब ये सारा मद्देनजर देखते हुए ये जो प्रोवोकेशन है चाइना की तरफ से वो भी प्रोवोकेशन है तरफ उसका है, वो सीधा जो है वो तो हम जवाब देंगे कि चाइना बातचीत के जरिए हल करना चाहता है से, 62 से कोई बातचीत का कोई हल तो निकला नहीं ना आज तक। वो जो डिमार्केशन ऑन ग्राउंड है बॉर्डर की वो चाइना ने नहीं की और उसकी बजाय अब जो है इंक्लूजन कर दी है। तो फाइनली जो है अब जब इंडिया जब चाहेगा देखेगा कि भाई अब ये बातचीत तो कुछ नहीं हो रहा, अब हमने अगर स्टार्ट करना है मिलिट्री ऑप्शन है हमारे पास, हमने स्टार्ट करना है, हमने अपना टाइम और जो जगह है वो चूज करके करना है ताकि एक बार जब मिलिट्री ऑप्शन जब शुरू हुआ तो ये भी देखना है कि हमें उसमें जीत होनी है और उसके बगैर हमने ऐसा मिलिट्री ऑप्शन नहीं शुरू करना। तो ये सारी जो चीज चल रही है ये प्लानिंग जो है ये सारी चल रही है और उसमें हम जैसे सीडीएस ने कहा हिंदुस्तान फौज पूरी सक्षम है, अभी अगर पॉलिटिकल विल हो तो वो उस हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। यानी आपकी नजर में सिर्फ फैसला सरकार पर भी है, खाली फौज पर नहीं है, फौजी ऑप्शन होने के बावजूद भी नहीं। फौजी ऑप्शन देखिए भारत की फौज जो है वो पॉलिटिकल क्लास के नीचे होती है, अपने इंडिविजुअल कोई ये नहीं ले सकती कि हमें आपसे अटैक करना है,
ये सिर्फ लोकल जो है वहां पे कहीं जो छुट मुट तो होती है गड्ढा, वहां पे जो लोकल कमांडर है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, पर अगर आपने ऑल आउट वॉर करना है तो वो उसके लिए आपको पॉलिटिकल जो परमिशन है जो आपको तो कैबिनेट कमेटी से और सबसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से वहां से परमिशन आनी है कि हाँ जी कैबिनेट कमेटी जब ये परमिशन देगी फौज को कि हाँ जी अब आपको पूरी छूट है कि अब आप प्लान करके जैसा करना है करें, आप इस चीज को हल करिए, तो ये तभी होगा, ये उससे पहले नहीं होगा कि वो फौज हिंदुस्तान में फौज अपने जरिए कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेती, वो बल्कि जो पॉलिटिकल क्लास है कैबिनेट कमेटी को जो है उसको अप्राइज करेगी कि देखिए जी ये चीजें हैं यहाँ पे, अब इसका हमें ये हल इसके अलावा और कोई हल नहीं है, फिर उसके बाद ये डिसीजन जो है वो कैबिनेट कमेटी का ही होगा कि उन्होंने अब क्या करना है, देश ने क्या करना है, देश को किस तरफ ले जाना है उन्होंने, वो उसका होगा। एक चीज तो यहाँ पर साफ हो गई कि लड़ाई लंबी चलेगी जो बार बार कहा जा रहा था पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से और आर्मी कमांडर्स की तरफ से, तो क्या इसके बाद भी जो अब हम बातचीत देख रहे हैं कोशिश की जा रही है कि वहां पर तनाव हो, वहां पर कम किया जा सके, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच जो गैप पड़ गया है जो इस कशीदगी की वजह से LAC पर जो कुछ हो रहा है अभी भी चल रहा है, उम्मीद है अभी भी कोई बची हुई, या फिर अब सिर्फ हमें यह देखना होगा कि हालात पर कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए इसमें जो चीज है देखने वाली वो ये है कि चाइना के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है बाकी जो दुनिया का, क्योंकि जो ये चाइना ने लद्दाख में किया है वो उसके लिए सारी दुनिया जो है भारत के साथ खड़ी है। अब ये देखना है कि उसका प्रेशर कितना पड़ता है चाइना के ऊपर कि भाई आप इसको यहाँ से जो है आप वापस जाइए और इस ये जो टेंशन यहाँ पे है इसको खत्म करें, क्योंकि शुरुआत चाइना ने की, अब खत्म भी करने के लिए चाइना के पास ही है। अगर चाइना नहीं करता अपने तौर से, फिर हमारे पास जो हमने कहा जैसे मिलिट्री ऑप्शन CDS ने कहा वो है, फिर अगर उस लेवल पे चाइना ले जाना चाहता है, चाइना को ये भी देखना है कि क्या मैं उस लेवल पे ले जाना चाहूंगा कि नहीं ले जाना चाहूंगा। इस वक्त अगर चाइना लड़ाई में चलता है हिंदुस्तान के साथ तो उसको पूरी दुनिया से, मैं आप देख लीजिए साउथ चाइना सी है चाहे ये अगर मलक्का स्टेट वगैरह, सब जगह से उसको प्रॉब्लम आनी है, ये नहीं कि सिर्फ लद्दाख में ही है वो, क्योंकि सब जगह से प्रॉब्लम आनी है, उसके जो सी रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, वहां पे बीच में उसको ब्लॉकेड होगा और फिर उसको प्रॉब्लम होगी, और साथ में जो बाकी जो दुनिया जो के जो देश है वो चाइना के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी उसको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनिल गौर जी। हमारे साथ SS पठानिया साहब भी इस वक्त हैं जो कि इन हिस्सों पे जहां पर ये तमाम सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जिसे फौज की तरफ से नाकाम बनाने का भी दावा किया जा रहा है। इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल है उसको कामयाबी के साथ हालात को कंट्रोल में रहने के लिए फौज की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है अपने बयान के जरिए भी। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से आप अभी के हालात को देखते हैं? आज ही हमने देखा कि साउथ चाइना सी के अंदर भी जहां पर नेवी ने भी अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अब लद्दाख के अंदर एक बार फिर एग्रेशन दिखाने की कोशिश हुई है PLA की तरफ से। देखिए आसिफ जी, इसमें अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये शुरुआत हुई थी जब हमारे CDS जनरल रावत साहब ने बोला था कि हमारे पास मिलिट्री एक्शन भी ऑप्शन है एक अवेलेबल, ठीक है जी। अभी उसके बाद आप देखिए कि जैसे हमारे अभी USA की जो प्रेजेंस है वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर अलोंग विद द उनके जो बॉम्बर्स और स्टेल्थ बॉम्बर के साथ वो वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग यू नो स्पाई प्लेन्स एंड सो ऑन, सो चीन कहीं ना कहीं से घबराया हुआ है। और उसके बाद ये टू एड इट यू नो इंडियन जो वॉरशिप है वो भी वहां पे पहुंच गए साउथ चाइना सी में एंड दे आर ऑपरेटिंग इन कंजंक्शन विद द US नेवी। अभी इस समय अगर हम चाइना की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारी जो कंफ्लिक्ट वाले एरिया हैं वो है, एक तो फिंगर एरिया है जहां पे वो अपने आप को कंसोलिडेट करता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन एम्यूनिशन हैबिटेट एंड सो ऑन, एंड दूसरा जो कंफ्लिक्ट एरिया वो चल रहा है वो है डेस्कॉन्ग प्लेन्स। अभी चाइना ने कहीं ना कहीं जैसे आप देखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी ये जो कार्रवाई इन्होंने जो फिंगर एरिया में की है भारत फोर्स के ऊपर, एंड आई एम वेरी श्योर द इंडियन आर्मी वुड हैव गिवन ए बिफिटिंग रिप्लाई, ये लोग ये चीज करेंगे और कहीं ना कहीं ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि मॉरल असेंडेंसी जो है वो हमारे साथ है, वी आर इन ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इन स्पाइट ऑफ यू नो वर्ल्ड कम्युनिटी गोइंग अगेंस्ट अस एंड बिसाइड यू नो your interference in so called you know their perceived south china sea which they think is their own, to ye abhi unki kafi halat kharab chal rahi hai।
जी, और इस समय जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसका जो झुकाव है वो पूरी तरह एंटी चाइना है। देखिए, क्वाड की अगर हम बात करते हैं, चाइना की अगर हम चोकिंग की बात करते हैं, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया का जो बना हुआ है क्वाड, वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। साथ ही अगर हम वियतनाम को इंक्लूड कर लेते हैं, ताइवान की नेवी इंक्लूड कर लेते हैं, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये सारे जो हैं इस समय चाइना से, जिसको बोलते हैं ना, सताए हुए हैं चाइना के। तो इनकी अगर आप कंबाइंड नेवी स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, और यूएसए के पास देखिए, यूएसए के पास 11 या 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के पास सिर्फ एक ही है, वन इज इन द प्रोसेस ऑफ यू नो बीइंग कमीशन्ड। तो इनको ये पता है कि हमारी औकात क्या है, लेकिन वो खिसियानी बिल्ली खमा नोचे वाली अगर हम कहावत की बात करते हैं, और जो इनके राष्ट्रपति वहां पे इंटरनल डिसेंट को फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट ये जो शिनजियांग में इधर मुसलमानों के साथ हो रहा है, या तिब्बत के अंदर वहाँ अनरेस्ट चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएस पठानिया साहब बात करने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर भी इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। इश्फाक, खबर ये आ रही है कि 29 और 30 के दरमियान शब झड़प हुई, और कुछ खबरें ये भी आ रही है कि चीन की तरफ से जो एग्रेशन दिखाया गया था उसका जवाब दिया गया, यहाँ से झड़प नहीं हुई। पहले तो ये बताइएगा कि फौज का जो एग्जैक्ट बयान है उसके मुताबिक क्या कुछ तफसीलात हैं। देखिए, अगर फौज के बयान की हम बात करें तो फौज ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, कोई 15 से 20 लाइनों का वो स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया कि चीन की जो फौजें हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उन्होंने ट्रेसपास करने की कोशिश की, वो इस पार आ रहे थे उस पॉइंट से, जिसको फिलहाल ये माना गया कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत रहेगा तब तक जब तक कोई बातचीत नहीं होती है। जब उन्होंने इस पार साउथ TSO यानी पेंगोन सो झील के साउथ साइड में, जनूब के साउथ के साइड में जब उन्होंने इस पार आने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया है, और ये पूरा मामला जो है वो रात को हुआ होगा। अब यहाँ के रात के इंसिडेंट को और गलवान के रात के इंसिडेंट को आपको देखना पड़ेगा कि रात को ही क्यों होता है, ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक अलहदा डिस्कशन है, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन फौज का मानना है कि उनको रोका गया जी, उन्हें वापस किया गया, और भारत की फौजों ने इस बात का अहद किया है कि किसी को भी सरहदें अबूर करने की इजाज़त नहीं है दी जाएंगी, और जो हमारा लाइन ऑफ पॉइंट है यानी जिसे हम प्रसिप्शन लाइन बोलते हैं LAC का, उसके पीछे सबको जाना पड़ेगा, इसके लिए हम वादा बंद हैं और काम भी कर रहे हैं, और अगर कोई इसके खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। ये एग्जैक्ट What is said by the Indian Army, number one. Number two, उसी statement के अंदर ये कहा गया कि अब जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर flag meeting जो है brigade level की चशूल के अंदर इस वक्त चल रही है, इतना statement करके close कर दिया गया। अब खबरें जो sources से आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये कि क्यों इस पॉइंट को चुना गया, इस साउथ TSO को क्यों चुना गया, और फिर रात का ही वक्त क्यों था, दिन में क्यों नहीं, और जो कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स पिछले 3 हफ्तों से आ रहे थे उनको देखते हुए इस इंसिडेंट को कैसे देखा जाए। तो जब आप इन सभी चीजों की तारों को जोड़ेंगे तो सारी तारें जो है वो PLA के हेडक्वार्टर बेजिंग जाती है, जहां से बराह रास्त इसका जो है प्लान एग्जीक्यूट किया गया, और ये रात को इनसे कहा गया कि आप आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होगा, जिसका बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया, जिसका हम उर्दू में मुंह तोड़ जवाब कहते हैं वो दिया गया है, और अब कैजुअलिटीज क्या है उसको लेकर, ना तो पिछली बार PLA ने ऑफिशियली माना, अब एक तस्वीर वहां पर वायरल हुई है जिसके बाद वहां के सोशल मीडिया को ब्लॉक करना पड़ा, वो तस्वीर और उस आदमी के ट्विटर हैंडलर को, वो ये बता रहे हैं कि जनाब वहां पर इस बार भी बहुत ज्यादा नुकसान जो हुआ है, चाहे वो जख्मी हुए हैं या किसी की मौत हुई है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन स्टिल अवेटेड देयर। हमारी तरफ से क्या हुआ है अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिप्लाई किया गया है। अब इस बॉर्डर पर आज के दिन भी जो हमारी ट्रीटी है कि हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी व्हाट मींस हथियार का मतलब क्या है जी, आप वेपन गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर जब लड़ाई होती है तो नॉन कन्वेंशनल वॉर के तर्ज पर होती है। आप जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि वो खारदार तार लेकर आए थे, कील वाली बैटे लेकर आए थे, और इस तरीके से उन्होंने वहां पर सिचुएशन को जो है वो बनाने की कोशिश की थी, जिसको जवाब उस वक्त दिया गया था, और उसमें जो जवान शहीद हुए थे यहां से वो सबके सामने। तो यहां पर भी लगभग सिचुएशन वैसी है, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल हुआ है, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी तक सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं। तो क्या माना जाए कि 3 महीने अब गुजर चुके हैं, हम देख रहे हैं कि 1 दर्जन के करीब मुलाकातें हुई, बातचीत हुई फौजी सतह की भी
और दिल्ली और बीजिंग के दरमियान भी, उन सब के मस्बत नतीजे की जो उम्मीद थी वो करना बंद कर दी जाए, हालात इससे भी आगे जा चुके हैं। देखिए जो लोग गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात को देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और जो हमारे शाम 5 बजे के ट्रांसमिशन को पिछले 3 महीने से मॉनिटर कर रहे होंगे, हमने चंद हफ्ते चंद दिनों से जो लगातार मैंने ट्रांसमिशन किया था, मैंने ये कहा था कि मुज़ाकरात पहले मस्बत थे, उसके नतायज हमने देखे जब गलवान के अंदर बफर जोन बने, लोग पीछे चले गए, डेट वॉज ए गुड साइन, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस हक में नहीं थे जो कुछ वहां पर हुआ, क्योंकि बफर जोन बनाकर जब आप पेट्रोलिंग रोक देंगे तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही चीज़ नहीं है, लेकिन बड़े कैनवास पर जब आप देखेंगे तो वो सही था। उसके बाद जितनी भी मुज़ाकरातें हुई हैं, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बातचीत हुई हो, कमांडर लेवल की बातचीत हुई हो, मिनिस्ट्री लेवल पर जीत हुई हो, उसके उतने मुअस्सर नताइज आपको देखने को नहीं मिले। क्यों? उसमें 3 चीजें डिस्कस थी, एक यही पेंगोंसो झील जो महवे गुफ्तगू है पिछले 2 हफ्तों से, एक तो इसके फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का मामला था, फिर दिपसांग का मामला था, गोबरा पोस्ट का मामला था, ये सारी चीज़ें बैक टू बैक जो थी वो डिस्कशन में थी। इसमें चीन की तरफ से जो बात सामने रखी गई थी कि देखिए हम भी 1 किलोमीटर पीछे हटेंगे, आप भी 1 किलोमीटर पीछे हटिए, जो आउटराइटली चाइना स्टडी ग्रुप, भारत सरकार और इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट किया और ऑफिशियली उन्हें कन्वे किया गया कि देखिए ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है, आप 3 महीने पुरानी वाली पोजिशन पर जाइए, उसके बाद हम बातचीत आपके साथ करेंगे, लेकिन वो चले आगे नहीं, वो वहीं पर रहे। फिंगर फोर का डाउन स्ट्रीट जो है उसको उन्होंने खाली कर दिया, यानी जब वो झील वाला नीचे वाला हिस्सा है वहां से 4 से वो 5 तक चले गए हैं, ये सही बात है, लेकिन 4 के शोल्डर पर यानी जब आप पहाड़ी को देखेंगे तो टॉप पर उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के रखा। व्हाट डैट इट मीन, वो जब आप झील के अंदर से चलेंगे तो उन्हें सारा मॉनिटर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उसको वहां से हटाया, वो हटे नहीं, जो तातुल था वो बरकरार रहा, दिपसांग पर वो हटे नहीं, तातुल बरकरार रहा, गोगरा पोस्ट पर थोड़ी सी बातचीत हुई, आगे बढ़ी नहीं, वो तातुल बरकरार रहा। इसलिए मेरा मानना है कि 1-2 मुज़ाकरात जो पहली हुई वो बेहतर थी, उसके बाद जितना भी मामला रहा वो ला हासिल रहा। क्यों? चाइना की जो पॉलिसी है कि आप जनाब 3 कदम चलिए, अब तो 2 वाला मामला ही नहीं, अब तो वो 3-3 कदम चल रहे हैं जी, 3 कदम चलिए, 1 कदम पीछे हटिए, 1 कदम उनको हटाइए, तो जब आप ग्राउंड पर देखेंगे तो 2 कदम फायदे में चीन है। ये इस बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मॉनिटर किया था, ये इस बार चाइना स्टडी ग्रुप ने मॉनिटर किया, ये इस बार इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने मॉनिटर किया, इसीलिए उन्होंने फौरन से बेशतर जो है वो रिबर्ट किया, जवाब दिया, चाहे वजीर अजम साहब ने जवाब दिया, वजीर दाखिला साहब ने जवाब दिया, वजीर दिफा साहब ने जवाब दिया, और आखिरी कील जो थी वो वजीर खारजा साहब ने ठोक दी जब उन्होंने ये कहा कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया कि हालात 62 जैसे बने हुए हैं तो उसके फौरन बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट को खंगालिए आप। अब कौन सी वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट? अमरीका की FBI की रिपोर्ट्स को खंगालिए, आलमी इदारों ने जो एडिटोरियल छापे उनको आप खंगालिए, तो पता लगता है कि सितंबर से अक्टूबर का वाला महीना जो है यह हाईली रिस्की एरिया है साउथ एशिया के लिए। अब जब यह साउथ एशिया के लिए इसको हाई रिस्क वाला एरिया माना गया था तो इसमें काफी डिबेट हो रही थी कि आखिर होगा क्या, तो पता यह भी चल रहा था कि देखिए चाइना के अंदर वो वेट कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ वाटर जो इस वक्त पहाड़ों पर या नदी नालों के अंदर या पेंगोंसो के अंदर जो बहाव है पानी का वो किसी तरीके से कम हो ताकि वो मजीद कुंभक को आगे ले सके और उसके बाद जंग जैसी सूरत। आखिरी सवाल, बातचीत की तो आपने बात कर ही दी लेकिन सबकी नजरें अब SCO के इजलास पर भी है, मॉस्को के अंदर होना है, क्या कोई रास्ता बचा है या इस मीटिंग को कोई टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अब इस वाक्य के बाद जो आज हुआ है? देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये कि क्या उस इजलास में कुछ होगा, रूस लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत के वजीर खारजा चीन के वजीर खारजा मिले बातचीत करें, अब भारत सरकार की तरफ से यह तो कहा गया कि देखिए वहां चीन सिर्फ नहीं है और भी देश है इसलिए हमें जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, जिस चीज के लिए वो कॉन्फ्रेंस है हमने वो अटेंड करनी होगी। मुझे इस एपिसोड के बाद बहुत कम उम्मीद है कि कोई बड़ा पेशरफ्त वहां से हो सकता है, अगर कोई मिरेकल हो डेट इज सेकेंडरी, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी चीज फाइनल नहीं होती है, अभी कुछ वक्त है, हो सकता है आइस ब्रेक हो, इसलिए टॉक्स को जो है वो कंटिन्यू रखने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है।
ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि वहां से चीन का कोई मजबूत अंदाज होगा, और चीन का मजबूत अंदाज होने के बाद ग्राउंड जीरो पर PLA जो है वो इसको अडॉप्ट करेगी। क्यों? इसके पीछे दो बड़े कारण है। आप देखिए, जो सफीर है दिल्ली के अंदर चाइना के, उनके 1.5 महीने का बयान आप देख लीजिए, तकरीबन 8 से 9 इंटरव्यूज उनके हैं। हर इंटरव्यू में वो 60 साल की दुहाई दे रहे हैं, हर इंटरव्यू में वो बातचीत की बात कह रहे हैं, हर इंटरव्यू में वो दोनों देशों को साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखते लद्दाख आते हुए देखते हैं तो आपको नक्शा कुछ अलग मिलता है। वही दरअसल पॉलिसी है चाइना की। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। तो बड़ी खबर LAC से, जहां पर दोनों अफवाज के दरमियान एक बार फिर तसादुम की खबरें हैं, और इस बीच कुछ फौजियों की जख्मी होने की भी इत्तला जराए के हवाले से, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। फौज के बयान के मुताबिक चीनी अफवाज की तरफ से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारहियत दिखाई गई, और एक बार फिर पेंगोंग TSO लेक के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, इस पार आने की कोशिश हुई, जिस पर जवाब दिया गया, जिस पर उन्हें रोका गया, और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई जो गुज़श्ता दिनों भी हुआ था, जिस पर और मजबूती के साथ काम करने की बात की गई थी। हालांकि दोनों अफवाज 5 बार इससे पहले मीटिंग्स कर चुकी हैं, और 6ठी बार इस वक्त भी ब्रिगेड लेवल की जो कमांडर्स की मीटिंग है वो LAC में चौशुल के मकाम पर चल रही है, ताकि इस कशीदगी को कम किया जा सके। और इस मीटिंग में उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आज एक और बयान फौज की तरफ से या ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई आ सकती है सूरत हाल को लेकर, जो इस वक्त ब्रिगेड कमांड लेवल की कमांडर्स मीटिंग इस वक्त भी चल रही है इन हालात को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सबकी नजरें SCO के इजलास पर भी, रूस के शहर मॉस्को के अंदर, क्या दोनों वज़राए खारजा मुलाकात करेंगे, और LAC का मामला एक बार फिर दोनों के दरमियान मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होगा या नहीं, इस पर बातचीत होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है।